गुड मॉर्निंग, चैनल सब्सक्राइब करें और दबा दीजिए अपने बेल आइकन को। पहुंच चुके हैं हम प्लेन में और हम करने वाले हैं यहां से जंप। तो फॉलो कर लिए थे गब्बर भैया को और हमारे गब्बर भैया हमें लेके जाने वाले हैं आज हमारे अड्डे पर। तो अड्डे की तरफ हमारा प्रस्थान हो चुका है और हम पहुंचने ही वाले हैं अपने अड्डे पर। इतने में हम कहाँ देखते हैं कि हम तो पैराशूट के साथ उतरते हैं लेकिन हमारे गब्बर भैया जो हैं बिना पैराशूट के साथ ही चले जा रहे हैं। देखे हो ऐसा जंप? सीक्रेट बात कुछ नहीं है, पैराशूट के लिए। तो हम पहुंचते हैं सीधा अपने अड्डे की तरफ और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ एक व्हीकल। तो ये मिल गया हमें हमारा फोर व्हीलर और गब्बर भैया हमारे जैसा कि हमेशा सीधा व्हीकल के सिरहाने ही उतरते हैं। तो चलिए पहुँचते हैं। और ये देखिए गब्बर भैया का कमाल, बग्गी उड़ाए दिए हैं और सीधा ले जा के फैक्ट्री के कोने में चिपकाए दिए हैं। अब ये नहीं देखा था कि बग्गी फट गई तो पेटी बनना तय है। तो इतने में हमका मिल जाती है यहाँ M4 और अब हम बनाएंगे पेटी। ओ ई का लैपटॉप, वाह बहुत ही बढ़िया। एक बैग मिल चुका है, एक स्कोप भी उठा लिए हैं गब्बर भैया हमारे साथ तेजी दिखाते हुए। और ई का हेलमेट तो मिला ही नहीं है अभी तक। तो चलिए ऊपर देखते हैं क्या क्या है यहाँ। कुछ खास नहीं है, कुछ एमओ मिल गई है, एक M4 और मिल गई है। चलिए मार्क कर दिए हम, गब्बर भैया चाहें तो ले सकते हैं इसे। अब मिला है हेलमेट, चलिए कुछ और भी मिल गया। लूट कंप्लीट है लेकिन यहाँ बुलावा आ गया है गब्बर भैया का ड्रॉप के लिए, तो यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। ड्रॉप तो बेहद दूर है भैया लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो निकल पड़े हम अपनी बाउंड्री की तरफ और ये हमने क्रॉस कर चुके हैं यहाँ कुछ बिल्डिंग्स और हम पहुँचने वाले हैं यहाँ स्टेडियम। स्टेडियम को हमने यहाँ क्रॉस किया है और जंप नहीं किए। गब्बर भैया काफ़ी होशियार हैं और हम बढ़ रहे हैं लगातार अपने टारगेट की तरफ। यहाँ हमने गाड़ी को थोड़ा डैमेज दिया क्योंकि कोई और लूट ना सके। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से ड्रॉप की तरफ। घटना यहाँ ये घटित होने वाली है कि ड्रॉप ना बेहद भयंकर होने वाला है इस पर, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, एक ड्रॉप के साथ दूसरी फ्लेयर भी अवेलेबल है यहाँ। तो ड्रॉप एक, फ्लेयर दूसरा यहाँ अवेलेबल है। तो हम ये पहुँचते हैं सीधा ड्रॉप पर। परी का यहाँ एक बंदा पहले से लगा पड़ा है, तो हम किए हैं जंप और हमने दिए उसमें दो चार गोली वाले पैकेट। इतने में गब्बर भैया उधर जाते हैं और ये महोदय हमारे सामने इस तरफ आ जाते हैं और ये ठीक है, हम तो इनको नॉक कर दिए। चलिए कोनो दिक्कत नहीं है। और इतने में एक नोटिफिकेशन आता है हमारे फ़ोन पर कि सर आपकी जियो का डेटा कमज़ोर पड़ चुका है। तो हमका कोनो बात नहीं, गब्बर भैया तो लूटने में बिजी थे और हम यहाँ अपनी हेल्थ कंप्लीट करने। तो ये बैठे हम गड्डी पे और चल दिए।
चलते चलते होता ही है कि हम सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर हैं और यहाँ से अब हम जायज़ा लेंगे माहौल का। तो हमने जहाँ से जायज़ा लिया माहौल का, और देखिए हमारे गब्बर भैया की हरकतें कतई नौटंकी से भरी हुई। तो ई उठाए हैं गाड़ी और हम चल दिए। अब टारगेट तो हम ये सोचे थे कि हम ये फ्लेयर को लूट लेंगे, लेकिन फिर हम किए थोड़ा बदलाव और हम जा पहुँचे हैं सामने। इतने में हमारे गब्बर भैया ने गाड़ी को मुड़ाया और चल दिए ड्रॉप की तरफ। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते नज़र आता कि भैया ड्रॉप है पानी में और ऊपर से पड़ेगी धुआंधार। तो क्या किया जाए, इतने में हमका यहाँ एक बंदा दिखाई देता है। और ये तो बोट है, बंदा उधर है, पर भैया बोट की मराई तो देखो कितनी जहर है। एक महोदय पीछे से दे रहे हैं जिन पर हमारी गहन नज़र पड़ चुकी है। तो फिर क्या होता है, हम उतरे हैं और ये थे महान बोट महोदय। तो हमने यहाँ दो बोट को पेला। इतने में एक और महोदय हमको नज़र आए सामने, जो हैवी डैमेज दे रहे थे। इनका भी हम पेटी बना दिए। पेटी के बाद हमका पता चलता है कि सामने से एक बंदा महोदय जो प्रो प्लेयर हैं चले आ रहे हैं। लेकिन होता ये है कि वो हमार गब्बर भैया नू पेटी बनाए दिया, मतलब घुटनों तक पहुँचा दिया। पेटी तो बनने ही वाला था। अब होता ये है कि अब किया तो किया के जाए, उसकी तो पेटी हम बना दिए लेकिन गब्बर भैया घुटनों पर। अब करना ये है कि भैया इनका रिवाइव दे दें पहले। तो हमने किया, इनको रिवाइव दिया, लेकिन हम का देखते हैं कि हमारे M4 में गोली बची है 13 और DP में भी 30 गोलियां हैं। अब गोलियों की बहुत ही समस्या हो गई यहाँ। इतने में हमका पता चलता है कि हमार पप्पू उर्फ प्रो प्लेयर लेकर घूम रहे हैं AWM, लेकिन एमओ कितनी है 5। इसका मतलब ये कि ये जिस बंदे के साथ खेल रहे थे वो दोनों में से एक बंदा रैंडम था। तो रैंडम बंदे ने की एमओ उठा ली और हमारा हो गया यहाँ लॉस, क्योंकि हमारे पास जो थी एमओ वो मात्र 5 एमओ बची थी AWM में। और यहाँ हुआ ये कि हमें कुछ गोलियाँ अतिरिक्त मिल गईं इस बोट की सहायता से। तो एमओ तो बेहद कम है, अब बंदे हैं यहाँ 14 एक्स्ट्रा। तो किया क्या जाए, तो बोट को लूटते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है। अब कमाल तो यहाँ देखिए, ये बंदा उतरा और ये बंदे को हमने मारा, तो ये बंदा हमारे टीममेट्स को कर गया है नॉक। और हमारे गब्बर भैया फिर से घुटनों पर आ चुके हैं। चलिए इसी बीच हमने गब्बर भैया को दिया है रिवाइव और अब इंतज़ार कर रहे हैं उस बंदे का जो सामने खड़ा है। इतने में गब्बर भैया यहाँ लगाते हैं हेल्थ और हम देखते हैं इसको कब्र में जाकर पेलने की तैयारी। तो होता ये है कि हमें तो पड़ रही है कहीं से धुआंधार, तो हमने सोचा चलिए क्यों ना हेल्थ कंप्लीट की जाए। तो हम पहुँचे अंदर, लगाई हेल्थ हो गई कंप्लीट। तो अब विचार है यहाँ से निकलने का, तो सोचा एक आध ड्रिंक व्रिंक भी पी लेते हैं क्योंकि लौंडों की कमी तो यहाँ रहेगी नहीं। इतने में होता ये है कि होता है हमका भी नहीं पता कि होता है। अब होना तो आगे है, तो देखते रहिए ज़रा। तो सामने से एक महोदय हमको नज़र आते हैं फायरिंग करते हुए। इतने में हमने देखा कि एक प्रो प्लेयर जिनकी गड्डी थी और ये हमने लगाया 3x का झटका, तो ये फटका जैसे ही इनमें पड़ता है हमारी हेल्थ और कम हो चुकी है। लेकिन एक महोदय और आ गए हैं, लेकिन गब्बर भैया ने हमका संभाल लिया यहाँ
और हमारी जो हेल्थ इतनी डाउन थी, हम मरते मरते यहाँ बच गए। लेकिन गब्बर भैया ठहरे प्रो प्लेयर, वो सेवा कर दिए इनकी, और सेवा ऐसी एकदम धमाकेदार। तो हम भी सोचे क्यों ना कुछ लूटपाट की जाए। तो लूटपाट तो हम यहाँ कर लिए हैं, बट मिला कुछ खास नहीं है। इतने में होता यह है कि गब्बर भैया पर पड़ जाती है। तो कोई बात नहीं, हम देते हैं रिवाइव। अब तक गब्बर भैया को हम इस गेम में यहाँ तक 3 बार रिवाइव दे चुके हैं। वैसे तो कहने को तो ये हमारे प्रो प्लेयर हैं, लेकिन चलता है, कभी कभार हो जाता है, हो जाता है, अपने साथ भी हो जाता है। वैसे हम भी अखंड प्रो प्लेयर हैं, लेकिन सिर्फ नाम के, दिल पे मत लीजिए, ये हकीकत है। तो भैया ये हमने अपना सर झुकाया और चल दिए। सोचा था इन्हें लूटेंगे तो बहुत सारा माल मिलेगा, तो पहुँचे। देखते हैं कि पूछो ही मत कुछ। ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से। और जॉन महोदा तो वैसे ही मैदानी जंग में लगे पड़े हैं। हमारे पास तो हेल्थ थी ही नहीं, और बची कुछ ही प्रो प्लेयर ले गया। लेकिन करना ये है कि कमाल तो आगे दिखाएंगे हम। एमओ है हमारे पास, AWM में मात्र 3, और फिर हमारी AKM तो है ही बिछाने के लिए, और लौंडे बचे हैं मात्र 3। तो करना ये है कि पहले जाना है जॉन की तरफ, क्योंकि हेल्थ है नहीं और हम पहले जा सकते हैं। लौंडों के द्वारा नहीं, जॉन के द्वारा। तो हम पहुंचते हैं मैदान में। इतने में हम जायज़ा लेते हैं कि जो 3 लौंडे बचे हैं, उन लौंडे हैं किधर। हमका दिखती है एक गड्डी के साथ एक बग्गी। तो हम करते हैं इंतजार, देखते हैं लौंडा कहाँ है। लेकिन लौंडा तो नज़र ही नहीं आ रहा, किया क्या जाए। तो हमने प्लान बनाया कि यहाँ बैठकर करते हैं थोड़ा सब्र, और देखते हैं ये अपनी मुंडी कब चमकाएगा। तो हम तो सोचे बैठे थे ये पहली वाली बिल्डिंग में होगा, तो हम देखत रहे। इतने में हमार टीम मेट गब्बर भैया ऊ में कुछ दे दिए। अब हम ढूंढ रहे हैं यहाँ कि वो कहाँ है, लेकिन वो हमका दिखा और हमने एक हेड शॉट दिया और उसका पेटी तैयार हो गया। तो अब तक हम बनाए हैं 6 पेटियाँ, जिसमें लौंडे कितने थे, 2 थे या 3 थे, बाकी तो साले सब बोट ही थे यहाँ। बट चलिए कोई बात नहीं, होता है। अब हम पहुँचते हैं जौन की तरफ। लेकिन इतने में हम मांग लिए हैं गब्बर भैया से थोड़ी हेल्थ, क्योंकि हमका है ज़रूरत कुछ एमओ की। तो हम देखते हैं ये कहाँ कुछ मिलता है क्या। स्पेशल तो था ही नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर देख लिए कि भैया अब वक्त आ गया है AWM छटने का। तो हमने यहाँ पर अपनी AWM का छट दिया और उठा ली S12। अब जो आएगा वो पहला जाएगा, ये तो हमारा नियम कानून है कि जो आएगा वो पहला जाएगा। लेकिन होता यहाँ ये है कि एक लम्डा पीछे से एंट्री मार के हम में धुआंधार धमाके करने लगता है। तो हमारे हाथ में थी S12 की। इतने में हमारे गब्बर भैया RPG से ऊ का पेटी बना ही देते हैं। चलिए कोनो बात नहीं। इतने में होता ये है कि एक और लौंडा जो हमका सामने नज़र आता है, तिरछी स्टाइल में वो गब्बर भैया को देने की कोशिश करता है, और इसने अपनी कमर टेढ़ी करके मारने की कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वो ये भूल गया कि गब्बर भैया के पास था RPG। और यहाँ हो जाता है हमारा डिनर डिनर चिकन विनर। तो फिर क्या था, जीत हो गई हमारी, मजा तो आई होगा। अब चैनल में आए हो, वीडियो देखे हो, इतना कष्ट किए हो, तो लाइक का बटन दबा दीजिए और
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि तुम्हार सपोर्ट की हमका बहुत ही जरूरत है। तो आज तो हो गया है कमाल धमाल, धुआंधार गब्बर भैया हमसे ज़्यादा खेल ले गए हैं, लेकिन हम ठहरे।